नमस्कार दोस्तों, मदरसा अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग का पॉलिटी का सेशन है। और आपको पता है हम लोगों ने पॉलिटी में वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति तक की जो जानकारी थी वो ले ली थी। सेशन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी डिटेल में बताया गया है। आपसे बस यही उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन अगर आप देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले मैंने जो भी वीडियो बनाए हैं उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाया गया है, आपको वहाँ से चीज़ें ज़रूर समझ में आएगी। ठीक है, अगर आप वो भी नहीं देखते हैं, डायरेक्टली इसको देखते हैं, तभी ये प्राइम मिनिस्टर का वीडियो समझ में आएगा। लेकिन फिर भी बोलूँगा कि वो वीडियो देखते हैं, क्योंकि उससे क्या है, एक बेस बनेगा, और जब बेस बन जाएगा तो चीज़ें पढ़ने में और समझने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में प्रधानमंत्री। ठीक है, तो यहाँ देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसकी नियुक्ति करे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करे, और प्रधानमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करे। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है किस अनुच्छेद से, अनुच्छेद 75 से, और ये अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। प्रधानमंत्री जो होता है संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। ठीक है, देखिए एक होता है वास्तविक प्रधान, एक होता है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल में तो हम लोग को पता है कि पूरे संविधान में ऐसा लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट आदमी राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक तौर पे आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। तो यहाँ देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, यानी कि एक सरकार जो होती है वो राष्ट्रपति के नाम से नहीं चलती है। जैसे अगर अभी की बात करें तो मोदी सरकार तो मोदी के नाम से चल रही है, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति कौन है, पीएम स्वयं है। भारत में प्रधानमंत्री का पद कौन से देश से लिया गया है, ब्रिटेन से हम लोग लिए हैं। राष्ट्रपति का पद हम लोग कहाँ से लिए हैं, हम लोग राष्ट्रपति का पद लिए हैं अमेरिका से। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में स्वविवेक का उपयोग की छूट दी गई है, यानी कि अपने मन से ही, विवेक से ही वो कार्य कर सकते हैं। लेकिन अमूमन यही देखा जाता है, लेकिन हमेशा यही देखा जाता है कि राष्ट्रपति लोकसभा चुनाव में, जो लोकसभा में जो बहुमत दल प्राप्त होता है उसका जो सर्वोच्च नेता होता है उसी को सरकार बनाने के आमंत्रित करता है। इसका मतलब ये है कि देखिए, कांग्रेस एक तरफ थी, दूसरी तरफ बीजेपी थी। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में बीजेपी जीत गई, तो बीजेपी जीत गई तो बीजेपी तो सिर्फ जीती, तो बीजेपी के जो सर्वोच्च नेता है, तो बीजेपी की एक बैठक होगी, बैठक में एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद के लिए नियुक्त किया जाएगा, बोला जाएगा कि हम आपको चुनते हैं। तो बीजेपी किसको चुना, बीजेपी ने चुना मोदी को। तो राष्ट्रपति साहब, उनको पता है कि बीजेपी को बहुमत मिला है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करके मोदी सरकार को, मोदी को बोलेंगे कि आप आइए सरकार बनाइए। वो इसलिए सरकार बना सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुमत है। एक बार सरकार बना देंगे तो उनके उसके बाद क्या हो जाएगा, वो बहुमत भी क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे, और बहुमत प्रूफ कर देंगे तो ऐसे भी वो प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये कार्य करता है। अब देखिए, राष्ट्रपति का यह कर्तव्य होता है कि वो प्रधानमंत्री को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाए। आप लोगों ने देखा होगा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या करते हैं, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। गोपनीयता कहने का मतलब है कि आप जो भी करेंगे, कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है जो देश को नहीं बतानी चाहिए, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, गोपनीय रखेंगे। ठीक है, तो यही है। तो मंत्री की, और एक चीज़ याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जो होता है वो एक सिर्फ एक मंत्री के रूप में शपथ लेता है। ठीक है, सिर्फ एक मंत्री के रूप में शपथ लेता है, लेकिन वो चूंकि उसके नाम से सरकार होती है तो प्रधान कहलाता है, तो इसीलिए उसका पद क्या हो जाता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के लिए कोई पद नहीं है, प्रधानमंत्री का कोई खास पद नहीं होता है, सरकार में वो मंत्री के रूप में शपथ लेता है, प्रधानमंत्री के रूप में नहीं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वो सामान्य मंत्री के रूप में ही शपथ लेता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहती है, तो वो लोकसभा के प्रति, क्योंकि देखिए डायरेक्टली कहाँ से चुन के आए हैं, लोक से, लोगों के द्वारा चुना गया है, लोग डायरेक्टली वोट किए हैं, तो जो भी डायरेक्टली वोट करते हैं वो लोकसभा जाते हैं, और जो इनडायरेक्टली वोट करते हैं वो कहाँ जाते हैं, राज्यसभा। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता ने किया है। ठीक है, इसलिए अगर मंत्रिपरिषद बहुमत साबित नहीं कर पाता है तो
तो सभी मंत्रिपरिषद को उसके मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री को भी त्यागपत्र देना होता है। यानी मान लीजिए कि सरकार बन गई, लेकिन सरकार बनने के बाद कुछ सहयोगी दल ने क्या हुआ, अपना समर्थन वापस ले लिया। जब समर्थन वापस ले लिया तो सरकार में इतना आंकड़ा नहीं था कि बहुमत के आंकड़े तक पहुँच पाए, तो उस केस में मंत्रिपरिषद को क्या करना होगा, इस्तीफा देना होगा। और मंत्रिपरिषद का इस्तीफा देना होगा तो मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है, पीएम होता है। और याद रखिएगा, अगर पीएम ने इस्तीफा दिया तो सरकार गिर जाती है, ठीक है। पीएम ने अगर इस्तीफा दिया तो सरकार गिर जाती है। जैसे अगर अभी किसी ने समर्थन खींच लिया और पीएम मोदी की सरकार गिर गई, पीएम का इस्तीफा हो गया, तो पीएम मोदी की सरकार गिर जाएगी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसे समझना ये चाहिए कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे रहा है तो पूरा सरकार इस्तीफा दे रही है, सिंपल सी यही बात है। अगर ऐसा हो जाए तब राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति को सरकार तो बताना है, क्योंकि सरकार के बिना देश नहीं चलेगी। तो उस केस में राष्ट्रपति लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होगा उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेगा। तो क्योंकि हो सकता है ना, दो ही तो पार्टी होती है, एक सत्ता होती है और एक विपक्ष होता है। तो अगर आप सत्ता से हाथ खींच लिए तो कहीं ना कहीं आप विपक्ष से जाके मिलेंगे, यानी कि जो बहुमत है पहले सत्ता के पास था विपक्ष के पास हो जाएगा, तो इसलिए विपक्ष के नेता को बोला जाता है। अगर विपक्ष का नेता के पास भी नहीं है या विपक्ष का नेता जो है सरकार नहीं बनाना चाहता है तो फ्रेश इलेक्शन होगा फिर, ठीक है। हम यहाँ पे देखिए इनकी योग्यता देख लीजिए, योग्यता क्या होती है, उनकी उम्र कम से कम 25 साल हो एवं सांसद हो एवं लोकसभा में बहुमत दल प्राप्त दल का नेता हो। कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया हो लेकिन उस, चलिए यहाँ तक पहले सुन लीजिए, कम से कम कितना होना चाहिए, देखिए लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 साल का होना चाहिए, ठीक है। एक सांसद होना चाहिए, भाई सांसद होंगे तभी तो लोकसभा जाएंगे, और लोकसभा में जो भी दल जीतती है उसके नेता होने चाहिए। तो लोकसभा में किस दल ने जीता, अभी बीजेपी ने, उसके नेता कौन है, पीएम मोदी है। एक सांसद है, वाराणसी से सांसद है, अब कम से कम 25 साल है, तो 25 साल से काफ़ी ज़्यादा उम्र है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो मंत्री होते हैं, ठीक है, वो इलेक्शन नहीं लड़ते। जैसे मनमोहन सिंह की बात करें तो मनमोहन सिंह ने इलेक्शन नहीं लड़ा लेकिन वो सांसद थे और वो पीएम बन गए। तो ऐसा कैसे होता है, ऐसा तब होता है राज्यसभा से सांसद होते हैं वो, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, एक सांसद हो तो सांसद बनने का दो तरीका है, या तो लोकसभा से आए या राज्यसभा से आए। तो कहीं से आए तो वो सांसद रहेंगे, दूसरी बात है लोकसभा में बहुमत दल का नेता, तो उस समय लोकसभा में बहुमत थी कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया, कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट कर दिया, और ये क्या राज्यसभा में असम से आए सांसद भी बन गए। तो इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन नहीं लड़ा था, ठीक है, और वो आ गए, एक सांसद भी बन गए, लोकसभा में बहुमत दल के नेता भी बन गए, उम्र भी थी 25 से ऊपर, तो वो क्या बन गए, एक प्रधानमंत्री बन गए। उस केस में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया लेकिन उस समय वो सांसद नहीं हो, तब उसे 6 महीने का समय दिया जाता है, ठीक है। और इस 6 महीने के समय में लोकसभा या राज्यसभा से वो क्या सदस्य निर्वाचित होकर आना पड़ता है। जैसे अभी देखिए EAM मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, ये जब इलेक्शन हुआ तब ये नहीं थे, कोई सांसद नहीं थे। उसके बाद क्या हो गया, जब इन्होंने शपथ ले ली तो शपथ लेने के बाद राज्यसभा से सांसद बन के आए गुजरात से, ये 6 महीने के अंदर। और 6 महीने अगर आप लोग ने नहीं लिया, पद पे है लेकिन 6 महीने में सदस्य नहीं बने, तो आपकी पद जो है वो समाप्त हो जाएगी। यदि लोकसभा में किसी भी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर गया और उस पर आरोप जो है सिद्धू नहीं है, सिद्ध है यहाँ पे, ठीक है, सिद्ध हो गया तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। क्योंकि देखिए जो मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो आप जो मंत्रिपरिषद है तो सभी मंत्रियों से मिला के बने हुए हैं, यानी सभी मंत्री सामूहिक रूप से क्या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी थे। अगर एक भी मंत्री ने गलत किया हो तो इसका मतलब ये है कि लोकसभा में जो है आपने जनता से विश्वासघात किया है। जब इस तरीके की बात होती है तो समस्त मंत्रिपरिषद को ही ये बोला जाएगा कि ये विश्वासघाती है, और समस्त मंत्रिपरिषद के रूप में हेड कौन होता है, पीएम। तो इसलिए कभी भी अगर एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया कि इसने अपने पद का दुरुपयोग किया है, गलत किया है, तो समस्त मंत्रिपरिषद को, और पूरे मंत्रिपरिषद के हेड कौन होते हैं, पूरे मंत्रिपरिषद के हेड होते हैं पीएम, उनको भी क्या देना होगा, इस्तीफा देना होगा। अब देखिए अनुच्छेद 74 का पार्ट एक, यदि किसी कारणवश प्रधानमंत्री का निधन हो जाए या इस्तीफा हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिमंडल का विघटन हो जाता है। यानी कि देखिए अभी पीएम मोदी चल रहा है, पीएम मोदी मान लीजिए मर गए या फिर इस्तीफा दे दें तो उनकी सरकार नहीं होगी। उसके बाद मान लीजिए अमित शाह बनते हैं, ठीक है, तो वो अमित
सरकार हो जाएगी, अमित शाह सरकार, ठीक है। तो याद रखिएगा ये अनुच्छेद 78 देखिए, इसके अनुसार प्रधानमंत्री का ये दायित्व है कि वो देश की वास्तविक स्थिति को राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे। जैसे अभी आपके परिवेश में देखिए, अभी चीन के साथ हम लोग का क्या युद्ध होने की संभावना है, तो प्रधानमंत्री को ये बताना चाहिए राष्ट्रपति को कि देश में एक्चुअली हो क्या रहा है। अगर प्रधानमंत्री ये कह दे कि देश में सब कुछ ठीक है तो राष्ट्रपति मान लेंगे। वैसे भी राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, मंत्रिमंडल के लिखित पे ही कार्य करता है, कहने पे ही कोई भी कार्य करता है। अब यहाँ देखिए प्रधानमंत्री के क्या कार्य है और उनके क्या क्या अधिकार हैं। केंद्रीय सरकार के मुखिया कौन होते हैं, केंद्र में अभी सरकार किसकी है, बीजेपी के, तो उसके मुखिया कौन है, पीएम है, के रूप में कौन होते हैं, प्रधानमंत्री कार्य करते हैं। उनका सबसे महत्वपूर्ण काम यह है केंद्र सरकार का निर्माण करना। तो देखिए केंद्र सरकार किसके अधीन काम करती है, पीएम के अधीन, यानी कुछ भी फैसला होता है, कोई भी अगर बात होती है तो सबसे पहले कौन आता है, पीएम ही आते हैं, हमें पीएम से जवाब चाहिए, तो भाई पीएम ही सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 75 का एक, प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, उन्हें बर्खास्त करते हैं एवं मंत्रिमंडल में उनके त्यागपत्र को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, प्रधानमंत्री जिसको चाहे उसको मंत्री बनाए, जिसको चाहे उसको मंत्री पद से हटा दे, ये प्रधानमंत्री का अधिकार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। कोई भी मंत्रिमंडल है तो उसके बैठक का अध्यक्षता हमेशा ही प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री जो होते हैं नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, जैसे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, उसी तरीके से प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अब यहाँ पे देखिए इतना तो डिटेल हो गया, अब कुछ कुछ एक्स्ट्रा जो नॉलेज है वो देख लीजिए। अगर पूछा जाए कि भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। भारत में सबसे लंबे कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो 1947 से 1964 अपनी मृत्यु तक प्रधानमंत्री थे। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड अटल बिहारी वाजपेयी को है, वो मात्र 13 दिन इस पद पर रहे थे। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, यानी कि उनके सरकार के खिलाफ क्या अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जैसे कि इनके पास बहुमत संख्या नहीं है, और इस तरीके से दो प्रधानमंत्री की सरकार गिर गए, वो थे वीपी सिंह 1990 में और अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में। लोकसभा में एक भी दिन नहीं आने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, चौधरी चरण सिंह, मीन्स ये जब नियुक्त हुए तो प्रधानमंत्री थे, लेकिन जब ये आते उससे पहले सरकार इनकी गिर गई। यहाँ पे देखिए और कुछ नाम है, एच डी देवगौड़ा और पी वी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री का पद धारण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। इन दोनों को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त ही नहीं हुआ, क्योंकि भाई ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो मैंने बताया कैसे हो सकता है, तो आप राज्यसभा से आइए या लोकसभा से आइए, 25 साल का उम्र हो और लोकसभा में बहुमत दल के आपको नेता प्राप्त हो। तो प्रधानमंत्री का पद तो धारण किया था, उस समय बोला था कि हम आपको समर्थन लेके देंगे, लेकिन जब एक्चुअली समर्थन देने के बारे में बात आई तो समर्थन नहीं दिया गया इनको, इसलिए लोकसभा में इनको क्या विश्वास मत प्राप्त नहीं हुआ और इनकी सरकार गिर गई। देखिए लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल गांधी, तीनों जो थे तीनों की मृत्यु प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए ही हुई थी। यहाँ देखिए मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल और इंदिरा गांधी ऐसे प्रधानमंत्री है जो पद धारण करते समय राज्यसभा के सदस्य थे, जैसे मैंने आपको बताया मनमोहन सिंह के बारे में, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कब काम करते हैं, देखिए कार्यवाहक के रूप में तब काम करते हैं जब मेन प्रधानमंत्री के निधन हो जाती है, तब जैसे नेहरू जी के निधन हो गया और नेहरू जी के बाद शास्त्री जी का भी निधन हो गया, तब ये हुआ था। जब कभी भी मंत्री चाहे, ठीक है, तो लोकसभा के विघटन की अनुशंसा राष्ट्रपति से कर सकता है और राष्ट्रपति अपने संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करके लोकसभा को भंग कर सकता है। इसी के द्वारा क्या हुआ था, इमरजेंसी लगा था, ठीक है। और क्या होता, अभी देखिए इमरजेंसी लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, मंत्रिपरिषद को लिखित में राष्ट्रपति को ये देना होगा कि देश में इस तरीके की सिचुएशन है, आप यहाँ पे क्या कीजिए, इमरजेंसी लगा दीजिए।
चूँकि राष्ट्रपति का काम क्या है, राष्ट्रपति का निर्णय यह है कि उनसे मंत्रिपरिषद के लिखित पे कार्य करना होता है, तो लिखित पे ही कार्य किया और इमरजेंसी लग जाएगी। अब यहाँ देखिए, एक आता है प्रधानमंत्री कार्यालय। प्रधानमंत्री कार्यालय का मतलब क्या है, इसका मतलब है पीएमओ। अभी पीएमओ के मंत्री कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि डोनर मंत्री भी है। पीएमओ देखिए क्या होता है, प्रधानमंत्री का कार्यालय है, कार्यालय है, उसमें जितना भी मंत्रालय है उसके अधीन सभी का जानकारी लेना होता है, तो ये एक अलग तरीके से काम करता है, ठीक है, ऑफिस है, सेक्रेटेरिएट है, तो इसलिए इसका जो कार्यालय है इसको भी एक मंत्रालय का ही श्रेणी दे दिया गया है। तो यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री के कार्यों को नियमित रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए इस कार्यालय की स्थापना की गई है। अभी इस कार्यालय के मंत्री कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, आप इसे प्रधानमंत्री का सचिवालय भी मान सकते हैं, यानी क्योंकि देखिए इसके अंदर कितने सारे मिनिस्ट्री है, जितना भी मंत्रालय है सब इसके अधीन ही काम करते हैं प्रधानमंत्री का दिन, तो सारे का इन्फॉर्मेशन इसको मिलना, ठीक है, वो सब चीज़ें। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई थी और 1961 में भारत सरकार के विभाग यानी कि एक मंत्रालय के रूप में इसको दर्जा प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे देखिए जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मैंने बताया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इसको पढ़िए, इसको समझिए। वीडियो एक बार में समझ नहीं आए तो एक से अधिक बार देखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपना नोट्स बनाइए। अपना नोट्स नहीं बनाइएगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।